2013 में जो मॉर्गन स्टैनली ने दुनिया में 5 सबसे नाजुक इकोनॉमी के लिस्ट करते हुए भारत का भी उसमें जोड़ा. 2013 इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड एज अ फ्रेजाइल इकोनॉमी. उसी मॉर्गन स्टैनली आज भारत को अपग्रेड करते हैं, भारत को हायर रेटिंग देते हैं. सिर्फ 9 साल में इतना एकदम खराब और फ्रजाइल परिस्थिति में जो इकोनॉमी गिरावट हमारी हुई, उससे निकलते हुए हमारे सरकार की पॉलिसी के वजह से आर्थिक सुधार हुआ, कोविड के बावजूद भी सुधार हुआ और आज हम देश सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है. और हमारे रियल जीडीपी ग्रोथ 7.2 2022-23 में हुआ एंड इट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 6.5% इन 23-24. दीज आर प्रोजेक्शंस गिवन बाय नॉट जस्ट वन एजेंसी, सेवरल ग्लोबल एजेंसीज एंड आर ओन आरबीआई प्रोजेक्शन इज ऑल्सो सेइंग दिस. सो सबसे बड़ा, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और अपग्रेड किए गए इकोनॉमी, जबकि यूएस हो, चाइना हो, सबका डिग्रेडिंग, डाउनग्रेडिंग हो रहा है. सो इंडिया इज इन अ रेयर पोजिशन सर ऑफ बीइंग ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव फॉर इट्स फ्यूचर ग्रोथ. सर ये सब कैसे हो संभव, पॉसिबल हुआ? 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के रास्ते पे चलते हुए हमारे पॉलिसी को इतना सुधारा, जिसके वजह से कोविड का संकट भी क्यों ना हुआ, हम उससे पार करते हुए आज रिकवरी के रास्ते पर सबसे तेजी गति में आगे बढ़ रहे हैं. इससे पहले सर जनधन योजना सबके साथ का उदाहरण मैं बोलने वाली हूं. जनधन योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, फोकस ऑन हेल्थ थ्रू आयुष्मान भारत, जन औषधि केंद्र, ये सब सामान्य लोग के लिए बेनिफिट करने वाले ऐसे स्कीम के द्वारा ही सबका साथ हुआ है. मगर इससे पहले हम सुनते थे गरीबी हटाओ. बार बार 6 दशकों से हम सुन रहे हैं गरीबी हटाओ. सचमुच में हटाया गया क्या? नहीं. अभी आप देख रहे हैं हम क्लियरली पॉवर्टी को कम करने में सफल देख पा रहे हैं और भी काम बाकी है. सो यूपीए सरकार ने एक पोस्ट डेटेड चेक देते थे. हम सब समझते हैं आज का डेट चेक नहीं, फ्यूचर डेट में चेक दिया गया गरीबी हटेगा, मगर वो नहीं है हमारे पॉलिसी और मोदी जी ने इसको पूरे के पूरे परिवर्तन कर चुके हैं. मैं जवाब देती हूं सर, उसका भी देती हूं जवाब. सर ये बदलाव कैसे हुआ भाई? बैठो यार. सर ये परिवर्तन कैसे हुआ? There is a transformation in our governance. वो transformation, से वो सर वो transformation मैं simply summary करना चाहती हूं, मगर detail भी बोलूंगी. Words like बनेगा, मिलेगा, ये सब हो गया अभी. अब वो नहीं है जनता, आजकल क्या उपयोग कर रहे हैं? बन गए, मिल गए और आ गए, यही हो रही है शब्दावली. मैं उदाहरण के लिए बोल रही हूं, यूपीए के समय बिजली आएगी करते थे लोग, अभी बिजली आ गए. गैस कनेक्शन मिलेगा, आज गैस कनेक्शन मिल गया. वाटर कनेक्शन मिलेगा करते थे यूपीए में, अभी मिल गया. पीएम आवास का घर बनेगा, अभी पीएम आवास का घर बन गया. टॉयलेट्स
बनेगा करते थे, अभी टॉयलेट बन गए। गांव में सड़क बनेगा बोलते थे, अभी गांव में सड़क बन गए। हाईवेज बनेगा करते थे, अभी हाईवेज बन गए। ब्रिजेस बनेगा करते थे, अभी ब्रिजेस बन गए। पोर्ट्स बनेगा करते थे, अभी पोर्ट्स बन गए। एयरपोर्ट्स बनेगा करते थे, अभी एयरपोर्ट्स बन गए। बैंक अकाउंट्स खुलेगा करते थे, अभी बैंक अकाउंट्स खुल गए। किसान और एमएसएमई को ईसी लोन मिलेगा करते थे, अभी किसान और एमएसएमई को ईसी बैंक लोन मिल गए।